सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं GTL इंफ्रा के बारे में, और इसी के साथ यहां पर हम लोग बात करेंगे सर इंडस टावर के बारे में भी कि आने वाला समय में क्या इन्हें बहुत ज़्यादा काम मिलने वाला है, और टाटा एयरटेल भी इन सबके तरफ से क्या इन्हें बहुत बड़ा ऑर्डर्स भी मिले हैं जिसमें ये काम करके काफ़ी अच्छा तेज़ी दिखा सकते हैं इस शेयर में इन सब के बारे में, क्योंकि यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो आपको हर दिन यही कह रहे हैं कि अब GTL इंफ्रा में आपको बहुत बड़ा तेजी देखने को मिलेगा और आपको यहां से अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। और आपको यहां पर इंडस टावर के बारे में भी लोग बता रहे हैं कि आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, आने वाला समय में आपको वहां से बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो सर, यहां पर वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर आपको हर एक शेयर का जेन्युइन न्यूज़ मिलता है सर। इसी के साथ यहां पर आपको हर एक स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस वीडियोस भी देखने को मिलता है। और हाँ, अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट नहीं ओपन करके रखा है तो वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप स्टॉक के साथ आप वहां पर डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सर कि क्या GTL इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपको यहां पर तेजी दिखाएगा। तो मैं आपको पहले भी इससे रिलेटेड एक वीडियो में आपको वार्निंग दिया हूं कि आप इसमें एक रुपया भी ना लगाएं, लेकिन यहाँ पर वीडियोस ही यूट्यूब पे कुछ ऐसे आते हैं जो लोग ना चाहते हुए भी उस वीडियोस को देखते हैं और वहां पर उस शेयर में पैसा लगा देते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हजारों चैनल हैं यूट्यूब पे जो आपको हर दिन GTL इंफ्रा के बारे में न्यूज़ देते हैं कि यहाँ से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, मल्टी बैगर स्टॉक है। पर आपको मैं एक बात बता दूं सर, यहाँ पर 5G को लेकर के कोई भी इन शेयर में तेजी देखने को नहीं मिलेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ सर, आप एक बात को जरा समझो ध्यान। ये कंपनी करती क्या है, टावर बनाती है, ठीक है। टावर के साथ साथ अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो उनका सोल्यूशन भी वो देती है। तो यहाँ पर जो है, आपको क्या लगता है कि 5G को लेकर के एक अलग नया टावर बनेगा, अलग अलग नए नए टावर लगेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता सर। नया टावर नहीं लगेगा जब, बल्कि जो पुराने टावर ऑलरेडी लगे हुए हैं उसी में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स लगाए जाएंगे जो कि 5G का सिग्नल को हर जगह ट्रांसफर कर सके। तो यहाँ पर सर, जब टावर ही नहीं बनाया जाएगा, नए नए टावर का निर्माण ही नहीं होगा, तो आप जरा खुद से सोचो सर कि क्या आपको GTL में तेजी देखने को मिलेगा या फिर इनको ऑर्डर मिलेगा? नहीं मिलेगा। यहाँ पर इंडस टावर की थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं सर, आपको इंडस टावर में भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो शेयर हैं, अगर प्रोफाइल चेक करेंगे तो ये टावर बनाने का काम करते हैं, जगह जगह में टावर लगाते हैं, उनका प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं। तो यहाँ पर जब 5G को लेकर के नया टावर लगेगी ही नहीं तो फिर इनको काम कहाँ से मिलेगा सर? और जो लोग हर दिन कह रहे हैं थंबनेल में कि इनको ऑर्डर मिला है जियो की तरफ से, एयरटेल की तरफ से, सर कोई ऑर्डर नहीं है इनके पास। अगर ऑर्डर होता ना तो इस शेयर में इनका प्रमोटर होल्डर सबसे पहले बढ़ जाता, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को होता है। हम लोग तो शेयर होल्डर हैं सर, शेयर यहाँ पर कुछ खरीद के रखेंगे 1,000, 2,000, 5,000, लेकिन प्रमोटर सबसे पहले कूदता है अगर किसी शेयर में तेजी आने वाला होता है तो। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। आप इन दोनों स्टॉक में पैसा ना लगाएं, वरना आप लोग आगे चल करके पछताओगे और फिर आप लोग कहोगे कि अब मुझे ये चीज़ काश पहले पता होता। और मैं नहीं चाहता सर कि आप लोगों का पैसा जो है वो एक गलत स्टॉक में चला जाए। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ सर, मत 5 रुपये का स्टॉक है, 5 रुपये का स्टॉक है, उसका फंडामेंटल एनालाइज करके रखा है मैंने। आप चाहो तो वीडियोस के एंड स्क्रीन में चले जाना, वो वीडियो आपको मिल जाएगा, आप उस वीडियोस को सर एक बार देख लो। ऐसा स्टॉक में पैसा लगाओ सर जहाँ से आपको पैसा रिटर्न मिले, ना कि आप ऐसे जगह पैसा लगा दो जो आपका पैसा ही डूब जाए। बताओ, 1 रुपया 50 पैसे का शेयर था ये, कुछ दिन पहले की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत पहले की नहीं। अब देखो 1 रुपया 30 पैसे पे आ गया, शेयर जो है 20 पैसा ऑलरेडी ड्रॉप कर चुका है। अगर आप यहाँ पे 1,000 भी शेयर लेकर के रखते हैं तो आप जोड़ लो 20 पैसे के हिसाब से आपको कितना माइनस यहाँ पे हो जाता। प्लस अगर आप जब निकलते भी ना तो यहाँ पर आपको एक्सचेंज ऑफिस को कुछ टैक्स देना पड़ जाता शेयर को बेचने के लिए, तो आपका लॉस ही लॉस है इस शेयर में। ऐसे शेयर में आप इन्वेस्ट ना करें, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है। बाकी आपको अगर ऐसे झूठे बातों पर ट्रस्ट है तो आप पैसा इन्वेस्ट करो, नो डाउट, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। पर अगर आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हो तो इन शेयर में आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय द वे, लव यू ऑल, जब तक के लिए बाय बाय।